पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही जनता में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी क्षेत्रवासी अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों की सूची तलाशने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। मुरादाबाद की नगर विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक रितेश गुप्ता को ही 2022 के विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया गया है। जैसे ही जनता को सूचना मिली कि रितेश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी गांधीनगर स्थित उनके कैंप कार्यालय पर पहुंच गए और मिठाइयां बांटकर फूल मालाएं पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। टिकट मिलने पर भाजपा के नगर विधानसभा प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने बताया कि हमारा एजेंडा 2017 हो या 2022 सिर्फ विकास रहेगा और 2017 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुरादाबाद की नगर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। हमारा एजेंडा चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे आने वाला 2022 का चुनाव है, विकास का एजेंडा है। विकास के एजेंडे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने 2017 में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया था। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था हमारा एजेंडा है। उसी एजेंडे पे हम लोग चुनाव पुनः लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से हम लोग इस बार भी अपनी सरकार बनाएंगे। कोई परेशानी नहीं है। डिजिटल प्रचार तो हम लोगों का चल ही रहा है लगातार, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु और मुरादाबाद की, प्रदेश की, देश की जनता सक्रिय रहती है, तो कोई उसमें परेशानी नहीं आने वाली है। डिजिटल प्रचार हम लोग करेंगे। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना चुनाव लड़ेंगे, उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।